योगी आदित्यनाथ जनसभा में शिरकत कर रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भाजपा के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मंच पर मौजूद हैं। सभी सीएम योगी के साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी मैं माननीय अपने अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अजीत सिंह बब्बन जी से निवेदन करेंगे, उनको चुनाव के बाद से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। अभी से जाके तैयारी करो धूमधड़ाके के साथ, यार गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए छत होगा। बहनों और भाइयों, कार्य चेहरा देख करके नहीं होता है। संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है, अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं जाति मत और मजहब नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही है विकास। बिना भेदभाव के पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है, और इसीलिए तो भारत बार बार कहता है कि केवल मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। बहनों और भाइयों, यही हकीकत है कि सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है और विरासत भी है, तो विकास भी है और इससे पनपा विश्वास भी है, और यही जन विश्वास सरकार बनाने का काम कर रहा है। विरासत, कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? कोई कहता था क्या? कांग्रेस के लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है। कल मोदी जी फिर अयोध्या गए थे, अयोध्या में उन्होंने साष्टांग प्रणाम पर वो राम को किया और फिर भगवान राम की आरती की, और फिर अयोध्या में लाखों लोग थे। मैं भी मोदी जी के साथ में था रोड शो में, रात्रि को 9 बजे तक रोड शो चलता रहा, भारी संख्या में लाखों लोग उसमें थे। अयोध्या के तो थे ही, लगभग 1 लाख लोग पूरे देश से भी वहां पहुंच गए थे जब लोगों को पता लगा कि मोदी जी वहां आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह है नया भारत, आपकी आस्था का सम्मान। आपकी दर्जनों पीढ़ियां तड़प तरस रही थी कब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए हरदोई वासियों कि साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं, और ये हम सब की पीढ़ी अपनी आंखों से सब कार्य को देख रही है। बहनों और भाइयों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितना बेहतरीन कॉरिडोर बन गया है। आप जाइए बिंदुवासिनी में, मां बिंदुवासिनी वासिनी के धाम को देखिए, अपने आप ही देखिए ना, जितने मठ मंदिर होंगे इन सब के लिए भी हमने कुछ ना कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है। अब बहुत दिन दूर हो, वो दिन चले गए जब लोग भेदभाव करते थे कि कब्रिस्तान के लिए पैसा आएगा, शमशान घाट के लिए नहीं आएगा, वो भेद दूर। चारी जिले में जब बिजली आएगी शेष जिले बिजली से वंचित होंगे, ऐसा नहीं होगा। बिजली मिलेगी तो सभी 75 जनपदों को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा तो संकल्प है सब भारत की सबका साथ और सबके विकास का। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास है, विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, और इस बार मोदी जी आपसे वोट मांगने के लिए किस बात पर आए हैं? वो आए हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत किसके लिए? आपके लिए, इन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन